असलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़ीत से होंगे। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे मेरी वीडियो का कि कतर से डेलीगेशन पाकिस्तान में कब जाएगा, कतर फोर्सेस का। अच्छा चले, मैं आप लोगों को शुरू में ही बता देता हूँ कि डेलीगेशन जो है पाकिस्तान में विजिट करने वाला है, लेकिन ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि पाकिस्तान में विजिट करने वाला है एक डेलीगेशन जो रिक्रूटमेंट करेगा पाकिस्तानी लड़कों की, और क्राइटेरिया वो वहाँ पर जाकर सेट करेंगे, डिपेंड ऑन देम जो डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। बट मिनिमम क्राइटेरिया आप लोगों को बताना है, मिनिमम आप लोगों को ये डेलीगेशन आने से पहले वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने उनसे पहले कर लेनी है। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे जो है इकट्ठे करें। फॉर एग्जांपल, आपने इंटरमीडिएट किया है, रिजल्ट कार्ड, सनदे वगैरह, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड अगर किसी ने बनने के लिए दिया हुआ है, तो वो आप लोग अपनी जो है इकट्ठी करें, उनकी कॉपीज करवा लें। अच्छा, पासपोर्ट अगर किसी ने बनने के लिए दिया हुआ है या बनवाना है तो वो बनवा लें, अभी तक टाइम है, विद इन मंथ वो विजिट करेंगे। तो आपकी एज जो है 18 से 25 साल तकरीबन, ये मिनिमम बता रहा हूँ, क्राइटेरिया वो वहाँ जाके चेंज भी कर सकते हैं। एज जो है 18 से 25 साल तकरीबन होनी चाहिए। आपकी तालीम मैट्रिक नहीं, इंटरमीडिएट होनी चाहिए। मैट्रिक वाले जो लोग क्वेश्चन करते हैं उनको मेरी सजेशन है कि भाई आप आगे एडमिशन लें और आप कम अज़ कम इंटरमीडिएट तो करें। अच्छा, उसके बाद आपकी हाइट मिनिमम 5.8 इंच से ऊपर होनी चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया एक मिनिमम है, इस पे तो वो रजिस्ट्रेशन हुआ आप लोगों की कर लें। अब जो क्राइटेरिया वो जहाँ वहाँ जाकर सेट करेंगे, डिपेंड ऑन वो, लास्ट टाइम उन्होंने 6 फुट क्राइटेरिया मतलब हाइट मांग ली थी, एज का क्राइटेरिया उन्होंने चेंज कर दिया था, बट तालीम का क्राइटेरिया सेम रहा था। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, आप अपनी तमाम तर चीज़ें जो है उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएं, आप अपनी तरफ से तैयारी रखें, मिनिमम क्राइटेरिया के लिहाज से आप अपने तौर पर तैयारी रखें। वाट एवर विल हैपन, जब वो डेलीगेशन आएगा, क्राइटेरिया के हिसाब से वो क्राइटेरिया चेंज करेगा नहीं करेगा, आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हो सकता है आपका इंटरव्यू हो जाए, हो सकता है इंटरव्यू के आगे भी प्रोसेस शुरू हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता तो डोंट डिपेंड, आपको ज़रूरत है लेकिन उन पर डिपेंड मत करें। लाइफ गोज ऑन, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। डेलीगेशन जब पाकिस्तान में पहुँचेगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली डेट तब ही पता चलेगी जब वो पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे, और वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब वो पहुंचेंगे उससे नेक्स्ट डे ही शायद अपना जो काम है वो शुरू कर दे रिक्रूटमेंट की। तो तमाम लोगों को मेरी तरफ से यही हिदायत है कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, अपनी तरफ से आप लोग तैयारी रखें। रजिस्ट्रेशन जिन लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है वो चाहे मैन पावर लोगों के साथ जो है इन टच रहें, वो बताएं कि भाई हमारी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई है, जब डेलीगेशन आए तो काइंडली हमें जब वो जो क्राइटेरिया सेट करेगा, अगर उस क्राइटेरिया पे वो बंदा फॉल करता है तो हमें काइंडली कॉल कीजिएगा, हम इंटरव्यू के लिए रेडी हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के आप लोग जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लोग वहाँ जाते हैं, कॉपीज नहीं करवाई होती और इधर उधर दलील हो रखते हैं, जब उनका टाइम आता है तो बहुत से लोग आगे जा चुके होते हैं। तो वीडियो पहले बनाने का मकसद ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, जब डेलीगेशन पहुँचे तो आप लोगों को ये वाला प्रोसेस ना करना पड़े, आप सिंपली रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने इंटरव्यू का वेट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।